नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट के एटकोट में नवनिर्मित मातोश्री केडीपी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि जब हर नागरिक तक पहुंचने और सुविधाएं पहुंचाने का लक्ष्य होता है तो भेदभाव भी खत्म होता है, भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी नहीं रहती, ना भाई भतीजावाद रहता है, ना जात पात का भेद रहता है। इसलिए हमारी सरकार मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं को नागरिकों तक पहुंचाने में ही जुटी रहती है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे अलगाववादी घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने विशेष पहल शुरू कर दी है। आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए पुलिस ने अलग अलग क्षेत्र के कुछ लोगों को बुलाकर आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी नहीं रखने की सलाह दी है। पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों को अलग अलग थाने में बुलाकर सख्त हिदायत दी है। दिल्ली एनसीआर में आतंक का पर्याय बने कुख्यात बिल्लू दुजाना और उसके साथी राकेश दुजाना को गाजियाबाद पुलिस ने शुक्रवार देर रात मुठभेड़ में जान से मार गिराया है। दोनों बदमाश कवि नगर क्षेत्र के वेब सिटी में 20 अप्रैल को ग्रेटर नोएडा के दो लोगों की जान लेने के मामले में फरार चल रहे थे। देश में खून की कमी से ग्रस्त बच्चों की संख्या में भारी इजाफा दर्ज किया गया है। 2015-16 में जहां 6 से 59 महीने की उम्र में 58.6% बच्चे एनीमिक थे, वहीं 2019-21 के दरमियान ये प्रतिशत बढ़कर 67.1% पहुंच गई है। यदि बड़े राज्यों की बात करें तो सबसे समृद्ध राज्य गुजरात में एनीमिक बच्चे सबसे ज्यादा करीब 80% दर्ज किए गए हैं। सर्वाधिक शिक्षित राज्य केरल में सबसे कम 39% बच्चे एनीमिक मिले हैं। टूर ऑफ ड्यूटी योजना के तहत 3 सेवाओं सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती की गई नई प्रणाली में कुछ आमूलचूल परिवर्तन प्रस्तावित किए गए हैं। इसके तहत भर्ती किए गए सैनिकों में से 100% 4 साल बाद सेवा से मुक्त किए जाएंगे। इसके बाद फिर 25% को पूर्ण सेवा के लिए पुनः सूचीबद्ध किया जाएगा। श्रीलंका इन दिनों खराब आर्थिक हालातों का सामना कर रहा है। कठिन समय में भारत अपने पड़ोसी देश की हर संभव मदद के लिए खड़ा रहा। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इसके लिए आभार जताया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि श्रीलंका आर्थिक संकट के प्रभाव को कम करने के लिए सही नीतिगत निर्णय लेने की दिशा में काम करने का लक्ष्य बना रहा है। केरल में मॉनसून के आगमन में विलंब हो गया है। मौसम विभाग ने कहा था कि इस बार मॉनसून 1 जून की बजाय 27 मई को ही केरल में दस्तक दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विभाग का कहना है कि विलंब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मौसम विभाग ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि केरल में मॉनसून के आगमन के अनुकूल स्थितियां बनी हुई है और 2-3 दिनों के भीतर मॉनसून वहां दस्तक दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब 29 से 30 मई को मॉनसून आ सकता है। दुनिया भर में मंकीपॉक्स का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। 20 से अधिक देश में मंकीपॉक्स के मामले सामने आ चुके हैं। भारतीय प्राइवेट स्वास्थ्य उपकरण कंपनी ट्रिविट्रॉन हेल्थकेयर ने शुक्रवार को मंकीपॉक्स वायरस का पता लगाने के लिए एक रियल टाइम आरटीपीसीआर किट विकसित करने की घोषणा की है। कंपनी ने जानकारी देते हुए कहा कि ट्रिविट्रॉन हेल्थकेयर की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने मंकीपॉक्स वायरस का पता लगाने के लिए एक आरटीपीसीआर आधारित किट विकसित की है। पीएम किसान योजना की 11वीं किश्त 31 मई को करोड़ों किसानों के खाते में आ सकती है। मोदी सरकार पीएम किसान की 10वीं किश्त पहले ही भेज चुकी है और अब किसानों को 11वीं किश्त का इंतजार है। पिछली किश्त किसानों के खाते में जनवरी 2022 को ट्रांसफर की गई थी। इसके तहत साल भर में 3 बार में किसानों को 2,000 रुपए की किश्त भेजी जाती है, यानी हर साल किसानों को 6,000 रुपए पीएम किसान योजना के तहत दिए जाते हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 2685 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2,158 ठीक हुए हैं और 33 लोगों की जान गई है। देश में कुल सक्रिय मामले 16,308 हो गए हैं। दैनिक सकारात्मक दर 0.60% है। पूजा स्थल अधिनियम 1991 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इस हफ्ते 4थी याचिका दाखिल हुई है। ये याचिका कथावाचक देवी की नंदन ठाकुर ने दाखिल की है। इसके मिलाकर अब तक कुल 7 याचिकाएं उच्चतम अदालत में दाखिल हो चुकी है। देवकी नंदन ठाकुर ने पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका में कहा है कि ये अधिनियम लोगों को धार्मिक अधिकारों से वंचित कराता है, इसलिए इस कानून में बदलाव होना चाहिए या फिर इसे खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस अधिनियम से धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने हाल ही में बिहार में मध्यावधि चुनाव के संकेत दिए हैं। हाल ही में उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि बिहार में किसी भी वक्त सरकार में जारी उठापटक के बीच मध्यावधि चुनाव का ऐलान हो सकता है। कर्नाटक में हिजाब और मलाली मंदिर मस्जिद विवाद के बाद सांप्रदायिक तनाव एक बार फिर बढ़ने लगा है। दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़ और उडुपी के तटीय इलाकों में इसका ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। बता दें कि राज्य के तटीय क्षेत्र को सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील और भाजपा का गढ़ भी माना जाता है। इस क्षेत्र में झड़पें होना आम बात है। वहीं हिजाब विवाद के बाद एक बार फिर से शुरू होने से स्थिति संवेदनशील हो गई है।
अप्रैल में खुदरा महंगाई दर 7.79% रही, जो मई 2014 के बाद सबसे ज्यादा है। इसी प्रकार अप्रैल में थोक महंगाई की दर बढ़कर 15.08% पर पहुंच गई है, जो दिसंबर 1998 के बाद सबसे ज्यादा है। मुद्रास्फीति एक तरफ लोगों की क्रय शक्ति कम कर देती है, वहीं दूसरी तरफ लोग निवेश करने से बचते हैं। इस तरह मांग भी कमी होती जाती है और उत्पादन भी घटता जाता है। जब निवेश नहीं होता तो विकास पर प्रतिकूल असर पड़ता है और इस प्रकार एक दुष्चक्र बन जाता है जिससे निकलना कठिन होता है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में शनिवार सुबह बड़ा हादसा हुआ। एक मकान में गैस सिलेंडर में धमाकों से पड़ोस के मकान की दीवार गिर गई। मलबे में दबने के कारण 4 लोगों की जान भी चली गई है। इसके अलावा इस हादसे में 2 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। यह हादसा मुल्का लेदू गांव में हुआ है। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। विश्वविद्यालयों में दाखिले को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में आवेदन के लिए एक और मौका मिल गया है। यूजीसी ने आवेदन की तारीख 31 मई रात 9 बजे तक बढ़ा दी है। बता दें कि आवेदन की अंतिम तारीख पहले 22 मई थी, लेकिन तब तक काफी संख्या में विद्यार्थी आवेदन शुल्क नहीं भर पाए थे। ऐसे विद्यार्थी लगातार तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे थे। कश्मीरी अलगाववादी नेता यासिन मलिक पर अदालत के फैसले को लेकर OIC IPHRC यानी कि इंडिपेंडेंट परमानेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन की उस टिप्पणी को भारत ने शुक्रवार को अस्वीकार्य बताया, जिसमें नई दिल्ली की आलोचना की गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि दुनिया आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन से अनुरोध किया है कि वो इसे किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराए। टोक्यो में ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल में जापानी छात्रों के बीच हिंदी और फ्रेंच सबसे अधिक लोकप्रिय विदेशी भाषाएं हैं। GIIS के एक प्रमुख सदस्य अतुल तिमुर निकर ने यह जानकारी दी। 6 देश में GIIS के संस्थान हैं। सिंगापुर में ग्लोबल स्कूल्स फाउंडेशन के सह संस्थापक और अध्यक्ष तेबुरनिक ने कहा है कि जापानी छात्र अपनी संस्कृति को बचाए रखते हुए एशियाई और पश्चिमी संस्कृतियों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। उष्णकटिबंधीय तूफान का सबसे तीव्र रूप महाचक्रवात भविष्य में जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में लोगों पर अधिक विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। एक प्रतिरूपण अध्ययन में ये बात सामने आई है। ब्रिटेन में ब्रिस्टल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दक्षिण एशिया में दस्तक देने वाले सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाले 2020 के महाचक्रवात अम्फान की पड़ताल की है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि के कई परिदृश्यों के तहत इसके प्रभाव की भविष्यवाणी की। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल के कथित कोयला खनन घोटाले से जुड़ी अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में एक नई गिरफ्तारी की है। केंद्रीय एजेंसी ने कहा है कि गुरुपाद माझी को गुरुवार को दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय ने हिरासत में ले लिया है और फिर विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम अदालत के समक्ष पेश किया है। अदालत ने उन्हें 7 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया है। बिजली की बढ़ती मांग और कई इलाकों में कमी से चिंतित केंद्र ने पावर जनरेशन कंपनियों से ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने का निर्देश दिया। ऊर्जा मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा है कि बिजली मंत्रालय ने उत्पादन कंपनियों को कहा है कि अपने प्लांटों में पावर जनरेशन को अधिकतम करें। साथ ही मंत्रालय ने चिंता व्यक्त की है कि घरेलू कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के प्रयासों के बावजूद आवश्यकता और आपूर्ति के बीच अभी भी अंतर है, जिसके कारण उत्पादन स्टेशनों पर कोयले का स्टॉक चिंताजनक दर से कम हो रहा है। राजस्थान रॉयल्स ने इस्लामी बल्लेबाज जोस बटलर, जो कि नाबाद 106 रन पर रहे थे, उनकी तेज तर्रार शतकीय पारी से शुक्रवार को यहां नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग के दूसरे क्वालिफायर में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 7 विकेट से हराकर 29 मई को होने वाले फाइनल में जगह बनाई है, जहां उसका सामना पदार्पण कर रही गुजरात टाइटन्स से होगा। इस सत्र में ये बटलर का चौथा शतक था, जिसके लिए उन्होंने 59 गेंद में 10 चौके और 5 छक्के जड़े। उत्तराखंड के ऋषिकेश में चारधाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा पड़ा है, जबकि यहां के पंजीकरण केंद्र पर केवल 400 लोगों के रजिस्ट्रेशन के लिए काउंटर खोले गए हैं। वहीं मीडिया के रिपोर्ट्स के अनुसार चारधाम यात्रा के लिए ऋषिकेश समेत राज्य के अन्य पंजीकरण केंद्र पर फर्जी रजिस्ट्रेशन कराने वाले धंधेबाज भी सक्रिय हो गए हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से ऐसे धंधेबाजों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए मुकदमा भी दर्ज किया गया है। लद्दाख के तुरतुक सेक्टर में शुक्रवार को श्योक नदी में 26 जवानों को लेकर जा रहे एक वाहन के गिरने से सेना के 7 जवान शहीद हो गए, जबकि इस हादसे में 19 अन्य लोगों को गंभीर चोटें आई है। अधिकारियों ने बताया है कि थल सेना के 26 कर्मियों को एक दल को ले जा रही बस एक सुबह करीब 9 बजे लद्दाख के तुरतुक सेक्टर में सड़क से फिसल कर श्योक नदी में जा गिरी, जिससे 7 सैनिकों की जान चली गई और 19 अन्य घायल हो गए हैं। वहीं इस हादसे में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत अन्य नेताओं ने दुख प्रकट किया है। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति का हिस्सा रही ऐतिहासिक राइफल और सैनिक के हेलमेट को शुक्रवार को राष्ट्रीय समर स्मारक ले जाया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि सशस्त्र बलों ने इंडिया गेट से उल्टी राइफल और हेलमेट राष्ट्रीय युद्धक स्मारक से परम योद्धा स्थल पर पहुंचा दिया है। उल्लेखनीय है कि ये राइफल और हेलमेट 1971 के युद्ध के शहीद सैनिकों का प्रतीक है। दिल्ली दंगे मामले में JNU के छात्र शर्जील इमाम ने राजद्रोह केस में जमानत के लिए निचली अदालत का रुख किया है। बता दें कि गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने शर्जील इमाम को अंतरिम जमानत के लिए निचली अदालत से अपील करने की मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद शुक्रवार को शर्जील इमाम ने एक बार फिर दिल्ली की कड़डुमा कोर्ट का रुख किया है।
केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया है कि राज्यों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के परामर्श से विकसित पोर्टल पर करीब 27.45 करोड़ असंगठित मजदूरों या प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत किया गया है। केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और प्रवासी मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जा सके। सुप्रसिद्ध लेखिका गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है। उन्हें यह पुरस्कार टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए दिया गया है। रेत समाधि हिंदी की पहली किताब है जिसे ये सम्मान हासिल हुआ है। रेत समाधि उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया है। ये पुस्तक दुनिया की 13 रचनाओं में शामिल थी जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया था। जलवायु परिवर्तन के कारण उष्णकटिबंधीय तूफानों के सबसे तीव्र रूप सुपर साइक्लोनिक भविष्य में भारत के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकते हैं। ब्रिटेन की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में यह बात कही है। शोधकर्ताओं ने दक्षिण एशिया में दस्तक देने वाले और सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाले 2020 के सुपर साइक्लोन अम्फान की पड़ताल की। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी और प्रखर राष्ट्रवादी नेता वीर सावरकर की आज 139वीं जयंती है। वीर सावरकर का जन्म आज ही के दिन यानी 28 मई को 1883 में महाराष्ट्र के नासिक जिले के ग्राम भगूर में हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद करते हुए ट्वीट किया कि माँ भारती के कर्मठ सपूत वीर सावरकर को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है रघुनाथ प्रसाद, अवधेश कुमार, आलोक कुमार आर्य, अखिलेश यादव, के सिन्हा, नुन्नू कुमार, निशांत सिंह, जितेंद्र कुमार, ताकी खालिद। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आरसीबी की हार का अहम कारण क्या था? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।